मैं बधाई दिना जी सब पंजाब निवासियों को बधाई दिना जिन्होंने इन्ना चंगा फैसला लिया। जलंधर वाले ने बहुत चंगा फैसला लिया क्योंकि साडा हौसला वधदा इस तरह। भगवंत मान सरकार दी नीतियां ने बहुत चंगियां ने, लोगों के हित च ने। असी कोई 28 हज़ार नौकरियां दित्तियां ने, लाइट दे बिल ने वो असी बिल्कुल जीरो किए ने, घट्टो घट 85-90% लोगों के। तो मोहल्ला क्लिनिक साढ़े पाँच सालों बाद खुल गए हैं। इस तरह ही 117 तो बाद असी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोल रहे हैं। पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं असी। और जो गहरा च पानी है साड़ी हम कोशिश है कि असी टेल एंडा तक जरा कई साल तो नहीं गया असी टेल एंड तक पहुँचा सकीए। देखो नरमा बीज है छेती उपर मालवे से वो नरमा जो बीज है शुरू से पानी दो करी मिल जाए तो जी चिट्टी मक्खी पीड़ी सूढ़ी ये असर नहीं करती। ये स्टडी की गई है। सो साड़िया सारिया कोशिशें कि हर एक वर्ग में नाल लेके चलिए, हर एक वर्ग का फायदा करिए, चाहे वह ट्रांसपोर्टर ने, चाहे स्कूल जाने वाले बच्चे ने, चाहे वह हाउस वाइफ है जो घर है, सब के खात्या कोई 4 पैसे हर महीने बच जाए। साड़ी कोशिश है, मान साहब की एक कोशिश है नवयां असी नौकरियां देिए, कच्चे पक्के करिए। और एक साल के जिन्ना असी काम किया शायद कदे भी किसी होर सरकार ने नहीं किया होगा। इंडिया नौकरियां कदे भी पिछले 75 साल किसी ने एक साल से नहीं किया। और ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है। सो ये तो गांह असी नाल चली जाना, सब जो असी प्रोग्रेस की है इन असी गांह लैके चलना। सो जी जित है ये साडा हौसला वधदा, मान साहब का, मान साहब की कैबिनेट का, मान साहब की सरकार का हौसला वधदा। जिन्हें जोर शोर में असी काम पहला कर रहे थे असी उस तो बहुत जोर में हम काम करांगे। सो मैं दोबारा बधाई दिना। असी सारे अज अमृतसर दखनी के साउथ के वॉलंटियर सारे इकट्ठे हुए थे, जिन्हें भी सब ने बहुत मेहनत की है, इन्होंने काफ़ी कोशिश करके लोगों ने भी कन्विंस किया कि पार्टिसिपेट जुड़िया ने की ने। सो बड़ी खुशी हुई है और बड़े हम आके सारे पहुँचे ने वॉलंटियर्स, बहुत सारे वॉलंटियर्स पहुँचे ने इतने। और बड़ी खुशी थी, ढोल बजे थे, इन्हें लड्डू लेंदे ने, लड्डू सब ने खाधे ने, मूँह मिठा किया एक दूजे का। मैं बधाई देना और यही मैंने कहा कि तगड़े हो जाइए हम अपनी गांह इलेक्शन होनी ने। कांग्रेस का गढ़ मनिया जाता है जिथे अज आम आदमी पार्टी ने अपना झंडा गिड़िया, की कहना चाहोगे? देखो लोग बहुत सियाने उन्होंने रियलाइज़ किया कि जिहड़ियां ये लोग नीतियां के लैके आ रहे हैं, जिवें शहर 24 घंटे पानी पीने की गल चल रही है, घट्टो घट 87 शहर ने जिन्हां 'च असीं वड्डे शहरां नूं छड़ के अमृतसर नूं, जलंधर नूं, लुधियाणे नूं इत्थे जो 24 घंटे पानी आएगा ही, असीं 87 होर सिटीज़ पिकअप कीते ने जिते 24 घंटे पानी नहर का पानी आएगा। सो पानी असीं लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, लोगों की जिहड़ी सीवरेज सिस्टम ने इंप्रूव करना चाहते हैं, छप्पड़ रिजनरेट कर रहे हैं। तो लोगों ने सारा कुछ देखा काम होंगे और हालांकि ऑपोजिशन पार्टी ने बहुत रौला पाया कि देखो जो इन्हें किया नहीं, पर लोग सियाने का हिसाब है यार, साथ जिन्ना होंगे उन्हें किया ना। और जिहड़ियां हम बहुत सारे सारे प्रोसेस जो लाइनों पे हुए हैं वो हले नज़र नहीं आ रहे, लेकिन रोज 6 महीने में साल में सारे चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी और फिर लोग अप्रीशिएट करेंगे कि हाँ काफ़ी काम हो रहा है। और बड़ी बधाई हो सब। अज भी कुछ मुलाजम वर्ग जो वा वो नाराज है, उन्होंने वास्ते की किया जाएगा सरकार वालों? अभी भी सारे देखो 20 साल प्रति ना करो,
20 साल भर्ती ना करो 20 साल पिछले जो इन्होंने एडहॉकिज्म सीखा चाहे फायर ब्रिगेड ले लो फायर ब्रिगेड 15-20 साल तो कोई मुलाजम भर्ती नहीं होया कोई इन्होंने कोई स्वीपर कोई सिविल मैन भर्ती नहीं किया ठीक है ना गल ये सारे काम तो असं कर रहे टीचर इन्होंने असं मेरे ख्याल 15-16 हज़ार टीचर नवे असं भर्ती करते हैं जोड़े इन्हें किए नहीं सके सो जो इन्ना चर कम ही नहीं होया तो असी हौली हौली करके सिस्टम के लिया के सारे अपने मुलाजमान लैके आ रहे हैं तो अभी यू नहीं कर सकते कि जो मर्जी मैं चिट्ठी देता असी आफ्टरऑल उन्होंने ऐड करनी पैंती है जेडे हम किसी नवे मुलाजम रख रहे हैं PPSC या सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू जाते हैं फिर वो लिस्ट बन के साथ आते हैं सिर्फ भेजते हैं कि सानू लैट से मैं कहना मैं 900 फायरमैन चाहिए मैं 350 ड्राइवर चाहिए ऑपरेटर चाहिए तो सब लिस्ट बना के भेज देंगे आ 900 चूज किए आ चूज किए तो असं चिट्ठिया दें फिर असं यह देखना होंगे कि कोई स्टे ना लै आए कोई कोर्ट ना चल जाए कोई कोर्ट केस तो नहीं चलता लंबा प्रोसैस कारण के लंबे प्रोसैस होंगे एड्डा सौखा नहीं होता कि भी किसी मर्जी दे दो सो मुलाजम भी देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी लग रहा हाँ यार बहुत सारे लोग पक्के हो गए हैं तो साड़ी बारी कदों आएगी पर बारी सब भी आ जाएगी असं अगले 4 साल से यही काम करना है कि असं बहुत सारे जिन्हें सरकारी नौकरियां खाली पड़ी ने सारिया भर्तियां रैशनलाइज कर और बहुत सारे मुलाजमान से नगर निगम दी चोणां भी छेती दे अज चोन जित के किस तरह का लग रहा किस तरह का माहौल अगर बनेगा निगम चोणां दे देखो वॉलंटियर्स बहुत तकड़े तो बहुत तकड़े वॉलंटियर मैं तो हैरान हाँ जज्बा इतना चाहना इन्हों एक बार कहना पैंता भी आ जाओ तो 10 बंदे लौटे 20 पहुँच जाते हैं सो जज्बा बहुत ज़्यादा है और दखनी बच्चे आप साउथ में आप बिल्कुल सरेआम बहुत चंगी तरीके सोलह सोलह सीटा अपनी जिता मैं पूरे पंजाब की गल करिए पूरे पंजाब जिता के जी क्योंकि एक किस्म की ना निशानी होंगी है सो जलंधर की चुकी तो जी निशानी है कि लोगों का जरा रुझाव है वो आम आदमी पार्टी में लोग मन गए हैं कि जो मां भगवंत मान साहब की सरकार है भगवंत मान साहब की नीतियाँ उन्होंने ईमानदारी से कोई डाउट नहीं है सो लोग मन के तो फिर चल रहे हैं उस बंद और जलंधर साहब जताता जिते जिते कांग्रेस से आप दस बहुत वाला गाढ़ा उन्होंने सो बाकी शहर से अपने डिफरेंस भाजपा भी अपने पैर पसार रही है उसके बारे की कहना चाहोगे कि मुकाबला कर सकती आम आदमी पार्टी का जी आने वाले दिन पंजाब भाजपा फिलहाल अगले कई साल तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है बाकी हर एक ने कोशिश करनी उन्हें अपनी कोशिश करनी है सो अगले इलेक्शन भाजपा ने सेंटर से वीक हो जाना जो सेंटर से वीक हो गए तो फिर स्टेट से आप ही वीक हो जाए फिर समझ दे कि आने वाले जो प्रधानमंत्री और केजरीवाल साहब होंगे क्योंकि नैशनल पार्टी बिल्कुल हो सकते हैं जी केजरीवाल साहब बिल्कुल साढ़े प्रधानमंत्री हो सकते हैं सोच चंगी है नैशनलिस्ट ने देश वास्ते सोचते हैं लोगों वास्ते सोचते हैं और अपने मुल्क की अखंडता से हमेशा गल करते हैं सो सारिया नीतियां भी बहुत चंगी ने अं चाहे कि CM बन साढ़े PM बन हिंदुस्तान सर जलंधर जित दे विच सारे वॉलंटियर साहबान ने काफ़ी वड्डी मदद जिहड़ी है आम आदमी पार्टी की सरकार की कीती है कि जिन्हां दे कोलों अज भी कोई भी शनाख्ती कार्ड आम आदमी पार्टी का नहीं है खासा मशक्तों का सामना इन्हों वॉलंटियर्स नूं करना पैंदा है कि कदों तक जिहड़े ओह शनाख्ती कार्ड भी तुहाडे वल्लों जिहड़े आ इन्हां वॉलंटियर साहबानां नूं जारी किए जाणगे तां जो आम आदमी पार्टी दे विच ओह इक चंगी जिहड़ी है मिसाल कायम कर सकन असी जिन्हें मेरे सारे साढ़े वॉलंटियर जिन्हें है सब ने मेरी 1-to-1 एक ना एक मेरी चलती है सानू वॉलंटियर सानू पहचान की लोड़ तो हो ना कि जे असं कितने ना जानते थे असं मिलते हैं प्यार ना मिलते हैं ठीक है खालसा वाहिगुरू जी की फतेह मैं पाल सिंह भुल्लर ब्लाक प्रधान हलका अज इत MLA साहब आए हैं कि आज की प्रोग्राम से अज आप सारे इकट्ठे हुए हैं सारे वॉलंटियर MLA साहब मंत्री साहब सारे इकट्ठे हुए जलंधर की इतिहासिक जित के मुद्दे में रख के भी बहुत वड्डी जलंधर वासियों ने सानू सहयोग दिता पार्टी ने सहयोग दिता मान साहब दी नीतियां दे उत्ते खरे उतरे आ उन्होंने सानू प्रपोज किया तो आप जित वी हासिल जित वर्कर कि उत्साह है जी बहुत ज़्यादा उत्साह वर्कर के बच्चे इतों साउथ की टीम ने सब तो वह जाके प्रचार किया बल्कि जिन्ना भी दे रात दिन एक करके प्रचार करके आप मान साहब की झोली च पाए हाँ जी भाई अरोड़ा अज मैं सा मुबारक दिना सारे सारे वॉलंटियर समुचे पंजाब के वासियों जिन्होंने जित दवाई रिंकू जी और बहुत बहुत धन्यवाद सारी पब्लिक का अज MLA साहब निज्जर साहब आए थे कि मीटिंग हुई इन्होंने
निजर साहब आए और उन्होंने निजर साहब अपने वलंटियरों का धन्यवाद करना है और वलंटियर निजर साहब का धन्यवाद करना है कि लोग जिदा पहले इलैक्शन जीतिया गई सी लोगों के मन अज भी उही विचार ने कि असी आम पार्टी साढ़े वास्ते कुछ कर रही है और बहुत वधिया कर रही है। जिदा कि बिजली के बिल माफ़ कर दिए गए हैं, मुहल्ला क्लीनिक खोल दिए गए हैं और होर भी काफ़ी सहूलत दे जा रहे, अगों होर सहूलत भी दे जा रहे हैं। उसके करके निजर साहब अज सू होर भी कई आदेश दिए गए हैं, जिदा कि नशा छुड़ाने वास्ते और बहुत वधिया चल रही है। इस पार्टी प्रोवाइड कर रही है और आने वाली चोणा जो जा रही वो भी इस तरीके ही जीतिया जा रही हैं।